और मेरे प्यारे साथियों, आज 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर मैं आप सभी के समक्ष अपने कुछ विचार आपके सामने रखने जा रही हूँ। आप सभी को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। क्या आप जानते हैं इस वर्ष भारत का कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है? इस वर्ष भारत का 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। सभी बच्चे बैठ जाएं बेटा, बैठ के आराम से ध्यान, फिर बाहर वाले विचार आपके सामने रखने जा रही हूँ। शुरुआत करते हैं कुछ लाइनों से। जब आप खुले तो धरती हिंदुस्तान की हो, जब आप खुले तो धरती हिंदुस्तान की हो, जब आप बंद हो तो यादें हिंदुस्तान की हो, जब आप बंद हो तो यादें हिंदुस्तान की हो। हम मर जाए तो कोई गम नहीं, हम मर जाए तो कोई गम नहीं, मरते वक्त मिट्टी हिंदुस्तान की हो, मरते वक्त मिट्टी हिंदुस्तान की हो। हमारा भारत देश 200 वर्षों तक ब्रिटिश शासन के अधीन रहा। हमारे भारत को आजाद कराने के लिए हमारे देश के बहुत से स्वतंत्रता सेनानियों जैसे बाल गंगाधर तिलक, लोकमान्य तिलक, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस, लाला लाजपत राय और मंगल पांडे आदि ने बलिदान और अत्याचार सहते हुए भी देश को आजाद कराने के लिए सदैव तत्पर रहे। वर्ष 1857 से 1947 तक स्वतंत्रता संग्राम लड़ने के बाद हमारा भारत देश ब्रिटिश शासन की बेड़ियों से मुक्त हुआ और भारतवासियों ने आजादी की सांस ली। आज मैं उन शहीद स्वतंत्रता सेनानियों को प्रणाम करना चाहूंगी। फांसी पर चढ़ गए और सीनों पर गोलियां खाई, फांसी पर चढ़ गए और सीनों पर गोलियां खाई। हम उन शहीदों को प्रणाम करते हैं, हम उन शहीदों को प्रणाम करते हैं। मिट गए जो देश की खातिर, मिट गए जो देश की खातिर, हम उन शहीदों को प्रणाम करते हैं, हम उन शहीदों को प्रणाम करते हैं। जय हिंद, जय भारत।